मेरे बले बले छोटे छोटे देवी और सज्जनों भाई और बहनों, तो हम आपको एक लेके चलेंगे जर्नी पे। वो जर्नी है माउस के पैदा होने का राज। तो जब ये माउस पैदा हुआ तो दिन था लगभग आज से 1.5 साल पहले। एंड मैं खेलता था पबजी मोबाइल फट्टा फट्टा यानी इमुलेटर, जिसको आप टट्टा भी बोल लेते हो। तो जब ये माउस पैदा हुआ तो ये बहुत ही खूबसूरत था। जितना आज दिख रहा है उससे कुछ लाख गुना खूबसूरत होगा, काला काला। देन इस चूहे के अंदर का दम जब ख़त्म हुआ, जब ये पट्ट से हेडशॉट का शिकार हो गया। वैसे ये कभी हुआ नहीं, लेकिन क्या करे, ऐसा बात सुन के ये बेचारा फुचुक फुचुक रोने लगा। और इसके रोने से मैं होने लगा फ्रस्ट्रेट। तो मुझे लगा कि यार ये एक माउस कैसे दुनिया चेंज करता है। मैंने एक दिन अपने दोस्त का माउस चलाया, गेमिंग माउस। तो मैंने देखा कि इसका थोड़ा सा जो सिस्टम है वो थोड़ा सा बिगड़ गया है। तो उसने मुझको बोला, भाई तू एक गेमिंग माउस ले ले। तो फिर ये वाला नया माउस पैदा हो गया और इस माउस को मैंने थोड़े दिन में पैसे इकट्ठे करके ले लिया। अब जब ये वाला माउस आया, इसने फुल जलवा दिखाया, लोगों को बहुत स्मोक में मारा, क्योंकि इसके अंदर ये है एमबोट का बटन। जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है DPI। इसका मतलब होता है कि आप गाइड करना चाहते हो किसी प्लेयर को, वो भी इंस्टेंट। तो जैसे ये बटन में दबाता था यू करके पिट, तो वो बंदा बॉल के पीछे झाड़ी पाड़ी स्मोक में मर जाता था। तो ऐसा इसके साथ कुछ नहीं है, ये इस माउस की स्पीड को कंट्रोल करता है। एक बार दबाओगे थोड़ा सा बलेगा, एक बार दबाओगे फिर बलेगा, एक बार दबाओगे फिर बलेगा। अगर फिर से दबा दिया तो इसके हिसाब से ये चिकन चेंज हो जाता था। जी जी आप देख सकते हो ये 800 रुपये मिनिमम था। तो मैं बहुत खुश था इस गेम को लेके। फिर मैंने इसके ऊपर ही खेलने लगा। मैं पबजी पीसी लाई। फिर इसने अपनी औकात दिखा दी। तो होता क्या था, जब मैं इसको थोड़ा सा, ये डर गया बेचारा, जब मैं इसको ऐसे करके खींचता था तो एक बार का होता था, यानी ये सोचता था मुझे यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। अरे ये बलवे, अगर तुझको यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया तो बाकी का कहाँ गया। तो इसी चक्कर में ये बंदा मुझको पिटवा देता था, यानी ये मुझे थोड़ा सा अच्छा खेलने से रोकता था। लेकिन फिर भी मैं खेलता था। और फिर एक और माउस पैदा हो गया और इस माउस का नाम था टैग गेमिंग गेमर्स, जैसे देख सको टैग गेमर्स। तो ये जब पैदा हुआ तो ये अकेला पैदा नहीं हुआ, ये अपने चार इसकी बोर्ड को लेके पैदा हुआ था। अरे मम्मी, थोड़ा सा चीख आने वाला था अभी। तो आप जैसे देख सकते हैं ये बेचारा माउस के अंदर बहुत कुछ घुसा हुआ है, दबा हुआ है। तो जब ये हिलेगा तो ये दब जाएगा पूरा। तो अब इसका जो दमर है वो घुट गया है। लेकिन मैं आपको एक सबसे अच्छी बात ये बताना चाहूँगा कि आप ये माउस लेते हो, अगर आप ऐप ऑफिस यूज के लिए लेते हो, ये थोड़े से धुंधले हो गए हैं। तो मैं आपको कहूँगा ये वाला और ये वाला में बिल्कुल फ़र्क नहीं है, और इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप सेपरेट माउस ना लेके एक कॉम्बो ले सकते हो। और जो कॉम्बो आपको एक सेपरेट माउस से थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। मेरे को बहुत तेज़ी से छींक आने वाली है, वो कभी भी आ सकती है। मैं रोक के कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि इसको तो भेज दो, इसको भी भेज दो और इसको भी भेज दो। अब हुआ का, अब ये वाला माउस आया और ये कल ही पैदा हुआ है। थोड़ी सी इसकी खूबसूरती निहालते हैं। Thank you.
तो ये लंबी लंबी सांसें ले रहा है जैसा आप लोग देख सकते हैं। ये माउस का कलाकारी तो आपने देख लिया, अब इसके बाद इसकी बात करते हैं। तो ये वाला माउस कुछ इसके अंदर मिला था मुझको, ये वाला डिब्बा इसी का है, ये इसी के अंदर पैदा होके आया मेरे पास। तो गाइस सबसे अच्छा बात मैं बताता हूँ, इसको पैदा होने से पहले ये वाला कपड़ा पहनाया गया था, ये वाला कपड़ा बहुत ही मजबूत था, इसको फाड़ने में बहुत टाइम लगा और इसका चीरहरण कर दिया मैंने। और ये अमेजोन से आया है, ये मैंने खुद नहीं खरीदा, ये मुझे स्पॉन्सर किया गया है, और ये स्पॉन्सर किया है हमारे एक भैया ने बहुत ही प्यारे से। उन्होंने बस ये बोला था मेरा नाम मत बताना किसी को, तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उन भैया ने मुझको स्पॉन्सर किया है। मुझे जुकाम हो गया है और इसका हम थोड़ा सा जानते हैं। इसका कंपनी का नाम देखिए REDRAGON है, और ये कोबरा है, कोबरा। अब मैं इसका स्पेशलिटी बताता हूँ सबसे बड़ा, क्योंकि ये एक कोबरा माउस है, और आप जिसे ही इसका ये वाला बटन दबाएंगे ये अपने एनिमी को करके डंक मारेगा, और ये इतना जहरीला डंक है आपको पता तो होगा ही कोबरा का डंक कितना महंगा होता है। इसके साथ आपको एक DPI प्लस का बटन मिलता है जिससे आपका DPI बढ़ जाता है, दूसरा आपको इसके साथ DPI कम करने का बटन मिलता है, और तीसरा इसको रंग बिरंगे माउस के कलर में ढालने का। ये दो बटन और मिलते हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अभी इसका लाइट हम बंद कर दें एक बार, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो और माउस का बटन है। ये दो माउस का बटन आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, अपने आगे लगा के, अपने पीछे लगा के, गेम में कोई सेटिंग करके और नीचे दबा के। ओके, नीचे से याद आया इसमें एक और बटन है, और अब मैं एक काम करता हूँ, इसकी RGB बंद कर देता हूँ। ओके, इसकी RGB मैंने बंद कर दी। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो सेंसर है उसमें एक लाइट जल रही है, देख रहे हैं आप, यानी वो ऐसे तो नहीं दिखेगी, बस ऐसे ही दिखेगी। तो इसमें जो लाइट है वो इंफ्रारेड है, जो नंगी आंखों से नहीं दिखती, उसको कपड़े पहना के देखना पड़ता है। तो सीरियल नंबर कृपा करके ना देखें गाइस। इसके नीचे एक और बटन है जिसका नाम है स्विच मोड। अब स्विच मोड होता का है, जैसे मैं इसको दबाएगा ये नीले रंग पे पहुंच जाएगा। अब नीले और पीले का क्या मतलब है भाई, जुकाम। नीले और पतले का मतलब होता है जुकाम, और उस जुकाम से लड़ने के लिए आपको थोड़ी सी दवाई चाहिए होगी। वो दवाई खो गई मेरे से, वो दवाई खो गई। तो इसके अंदर 5 DPI होता है, जैसे कि पहला DPI होता है लाल कलर का जो होता 500 का, दूसरा होता है ब्लू कलर का जो होता 1000 का, तीसरा होता है यहाँ पे ग्रीन कलर का जो कि होता है 2000 का, देन तीसरा होता है यहाँ पे पर्पल कलर का, ये होता है आपका 3000 का, देन लास्ट होता है ये रंग तिरंगी जो होता है आपका 5000 DPI का। इस माउस की एक और खासियत बात है, वो ये कि अगर आप इसको लाल कलर पे, अरे लाल कलर पे जा रहे बेटा, लाल कलर पे चलाते हो तो ये माउस चल रहा है 400 DPI पे। और इस माउस का सबसे बड़ा बात पता है क्या है, वो ये अगर आप इसको 1 सेकंड में 8 फिट खींच देते हैं तो ये माउस फेल हो जाएगा। 1 सेकंड में 8 फुट, अरे सुपरमैन वो, सुपरमैन तो आप नहीं होंगे,
ये गाड़ी वाला ससुर का नाती मानता ही नहीं, गाड़ी वाला है घर से कचरा निकाल। और दूसरा बात, ये जो माउस है ये 100 DPI पे जा सकती है, यानी 100 DPI। और जो ये माउस का ट्रैकिंग है ये है कितना कितना है पर सेकंड, इंच, 100 इंच पर सेकंड। इसका मतलब है 100 IPS का ये माउस है, 1 सेकंड में 100 इंच ये नोट करता है, यानी 1 सेकंड में 100 इंच। समझते हो इसका मतलब क्या होता? 12 से डिवाइड कर दो रे, पता चल जाएगा। और दूसरा बात गाइस, ये बहुत ही प्यारा माउस है, इसका जब रिकॉल कंट्रोल करते हो ना आप, इसे खींचते रिकॉल कंट्रोल हो जाता है और एनिमी का खोपड़ी खोल देता है ये, क्योंकि ये कोबरा है, ये दबाएगा तो फिश करके डंक मारेगा ही मारेगा। दूसरा गाइज, मैं एक चीज बोलना चाहूँगा कि ये जो स्पॉन्सर किया है मेरे को भैया ने, ये बहुत ही बढ़िया माउच है, आप इसको खरीद सकते हो अगर चाहो तो। और ये मुझको किसी कंपनी ने स्पॉन्सर नहीं किया है, ये अपने भैया ने स्पॉन्सर किया है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप कि आपको इन वीडियो थोड़ी सी इन्जॉयमेंट लगी होगी और कुछ चीज़ें पता चली होगी। और लास्ट में मैं यही बताऊंगा कि पैड देख सकते हो आप, मेरे पास दो हैं और दोनों 400 DPI के लिए नहीं है, क्योंकि अगर आप 400 DPI पे खेल चाहते हो तो एक्चुअली होता क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो मूवमेंट है ये पूरी इतनी है, ये एक्चुअली 180 मारती है, 180 से ज़्यादा मारेगी, यानी आपको अगर 360 राउंड करना है तो आपको लगभग पूरा का पूरा पैड चाहिए, और ये यहाँ पहुँच जाएगा, जैसे देख रहे हो आप इतना दूर पहुँच जाएगा, ठीक है? तो इतना तो वो बहुत ही छोटा पड़ जाता है माउस। और दूसरी टाइप देख सकते हो, दो टाइप के माउस पैड है मेरे पास, इसमें आपको देख रहा होगा थोड़े से बॉक्स बॉक्स टाइप दिख रहा है, और ये वाला एकदम प्लेन सरफेस दिख रहा है, यानी ये वाला जो माउस पैड है जिस पर अभी माउस रखा है, ये अपना कंट्रोल टाइप माउस पैड होता है और ये होता है स्पीड टाइप। अब दोनों में से फ़ायदा किस पे है तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लो आप कोई भी स्नाइपर उठाते हो, खोल के एकदम से स्लाइड करके मारते हो, तो उस टाइम पे ये वाला ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि इसके अंदर कंट्रोल होगा, यानी जो माउस है वो हल्का सा कम मूव करेगा एज कम्पेयर टू दिस। यानी अगर मैंने इसको मारा ऐसे तो इस पे इतना मूव किया, इस पे देख रहे हो कम मूव किया, देखो यू करके मारोगे, यू मारा तो ऐसे करके थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, ठीक है? इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही होता है। और पबजी, पीसी, एपेक्स ऑफ लेजेंड, यानी जो मल्टीप्लेयर अपने पीसी गेम्स हैं उनके लिए ये वाला माउस पैड अच्छा रहेगा, और जुकाम। और दूसरा, अगर आपको ये वाला माउस पैड चाहिए तो ये वाला भी बेटर रहेगा, लेकिन अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या आएगा, यानी इस पे जब आप खेलोगे तो हल्का सा स्पीड ज़्यादा होगा, यानी जो एम का स्पीड होगा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, रिकॉल कंट्रोल करने में भी ये थोड़ी सी मेहनत आपको कम करनी पड़ेगी इस वाले पैड पे, इस वाले पैड पे रिकॉल कंट्रोल करने में थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इसकी सरफेस है वो स्पीड है, यानी माउस थोड़ा ज़्यादा स्पीड में आएगा, और क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत स्मूथ है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से टेक्सचर बने हुए हैं, देखते हैं दिखते हैं क्या। ओके, मेरे माउस मेरे कैमरे से दिखे, देखो गाइस देख रहे हो कितने छोटे छोटे ऐसे टेक्सचर बने हुए हैं, तो इससे जल्दी से ये क्या करेगा, उन टेक्सचर के ऊपर स्लाइड करेगा, तो ज़्यादा जल्दी बेटर स्पीड कंट्रोल होगा। और यहाँ के जो टेक्सचर आप देख सकते हैं कैसे टेक्सचर बने हुए हैं, तो यही थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों माउस पैड में। तो अभी जो मैं लेने वाला हूँ, मैं जो माउस पैड लूँगा कुछ दिनों में पैसे इकट्ठे होने के बाद, आई थिंक कि मैं कंट्रोल लूँगा, और उससे लेने से पहले मैं ट्राई करूँगा कि मैं दोनों माउस पैड पे गेमिंग करूँ और अच्छे से, देन मैं देखता हूँ कि मेरे सेंसिटिविटी मेरे माउस हैंडलिंग के उससे कौन सा अच्छा मिलता है। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को मैंने ये बताया, ये वाला माउस मेरे को स्पॉन्सर्ड है, बहुत ही थैंक यू सो मच भैया फॉर द स्पॉन्सरिंग, तो हमें स्पॉन्सर किया गया है ये वाला माउस। और गाइस जो ये माउस है गाइस, आप इसका सोच नहीं सकते, यानी एक 502 जैसा फीलिंग आ रहा है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है लेकिन जी लॉजिटेक G502 जैसा फीलिंग आ रहा है मुझे, और आई थिंक उसके कंपेयर में हो सकता है कि ये बीट कर दे उसे, क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया लेकिन मैंने बोला हो सकता है। और इस पे इंफ्रारेड लेंस लगा हुआ है, सेंसर इसके अंदर डुअल सेंसर है गाइस, ये वाला जो माउस है डुअल सेंसर माउस है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका मॉडल दिखा देता हूँ मैं आपको,
तो कोबरा M711 इसका मॉडल है गाइस, कोबरा की तरह के पिस पिस करके डंक मारने वाला है, जैसे कि आपको मैंने वीडियो में बताया। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन आपको नॉलेज बहुत दे दी मैंने, आई थिंक कि मज़ा आ गया होगा पूरी माउस की जनरी देख के। और थैंक यू सो मच फॉर द स्पॉन्सर भैया। एंड गाइस जितने भी लोग अभी नए हैं इस वीडियो को देखा है गाइस, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, और पुराने हो तो लाइक करो, नए हो तब भी लाइक करो, शेयर करना मत भूलना गाइस, क्योंकि एक यूट्यूबर की जो मेन इनकम होती है ना, मेन इनकम वो वीडियोस से होती है, और वीडियोस पे जो ऐड आती है उससे होती है, ठीक है। एंड जो दूसरी सेकेंडरी इनकम आप लोग प्रोवाइड करते हो, जैसे ये स्पॉन्सर किया गया मुझे माउस, ये हो गई, यानी मैं एक माउस नहीं ले पा रहा था तो मुझे स्पॉन्सर करके माउस दिया गया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आप जो सुपर चैट देते हो, किसी भी टाइप का डोनेशन देते हो, कोई भी अमाउंट हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से वो सपोर्ट होता है उस गेमर के लिए, उस यूट्यूबर के लिए, ताकि वो उस इंडस्ट्री में और आपके लिए कुछ अच्छा कर सके। अगर आप चाहते हो उससे कुछ तो आप बता सकते हो मुझे इस वीडियो के कमेंट में कि नेक्स्ट चीज़ आप क्या देखना चाहोगे, और जब पॉसिबल हुआ मैं पक्का उसका रिव्यू दूंगा, जैसे इस माउस का रिव्यू दे रहा हूँ। और मैं आपको एक और ये बात बताऊँ गाइज, मेरी वीडियो लंबी जाती है, बहुत मज़ा आएगा आपको। इस वाले माउस का जो यूज है, मैंने ये देखा, ये माउस भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट ये हाई डीपीआई पे थोड़ा सा काम करेगा, ठीक है। 800 डीपीआई पे खेलो, थोड़ी सी प्रॉब्लम देगा रिकॉइल कंट्रोल में, अदरवाइज थोड़ी सी नहीं देगा इतनी प्रॉब्लम। बट अगर आपको एकदम स्मूथ गेमिंग चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, देन गो फॉर इट गाइज, ठीक है। ये वाले माउस पे पैसा वेस्ट मत करो, ठीक है। जैसे मेरे पास लॉजिटेक था लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने ये ले लिया, यानी मेरे पास एक लॉजिटेक से इस पे शिफ्ट होना एक बहुत ही बड़ी वो थी, ठीक है। लेकिन अगर गेमिंग के लिए चाहिए तो गाइस ये वाला माउस ले सकते हो, लॉजिटेक का ले सकते हो, और इससे कंपेयर करके देखना गाइस, M711 से कंपेयर करके देखना बाकी माउस, अगर इससे बेटर मिलता है, इससे कम प्राइस में मिलता है तो ले लीजिए वो माउस। अगर आपके पास बजट ही कम है देन ये वाले माउस के लिए जाइए, ठीक है, क्योंकि लॉजिटेक 402 2000 का है गैस, 2000 रुपीज़ का है, तो उससे अच्छा होगा ये वाला माउस ले लीजिए, क्योंकि 402 से ये बेटर है। तो बाय बाय गाइज, थैंक यू सो मच फॉर द स्पॉन्सर भैया। और गाइज जितने भी लोग अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, यानी देखा है गाइज, अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि उन्हें नॉलेज मिले, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना ब्रो, क्योंकि और जो भी भाई और बहन, जो भी अपने दोस्त फ्रेंड कोई भी देख रहे हो इसे, तो मत भूलना सब्सक्राइब करना। डेली लाइव स्ट्रीम होते हैं, डेली लाइव स्ट्रीम पे आओ, मुझे सपोर्ट कर सकते हो, जैसे भी सपोर्ट कर सकते हो, देख के यार, शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, कैसे भी सपोर्ट कर सकते हो करो, ठीक है। एंड गाइस एक सबसे बड़ी चीज़, एक सब्सक्राइब आप किसी भी यूट्यूबर की लाइफ चेंज कर सकता है, मेरी भी कर सकता है। अगर मेरे सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी से बढ़ जाते हैं, मेरे चैनल मोनेटाइज होता जाता है, देन आई थिंक कि मुझे आपके इस सब्सक्राइब सपोर्ट से, आपको मेरी वीडियो देखने से मुझे इतना सपोर्ट मिल जाएगा कि ऐसी और सारी वीडियो बना सकूं। और स्पॉन्सर्स तो है ही मेरे पास, जो स्पॉन्सर कर रहे हैं मुझे, तो स्पॉन्सर जिन्होंने ये माउस किया, ऐसे बहुत सारे स्पॉन्सर आई गैस कि फ्यूचर में भी करने वाले, तो ऐसी वीडियोस भी आती रहेंगी, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, और भी वीडियोस आती रहेंगी, अपना बढ़ता रहेगा चैनल। और लव यू सो मच गाइज, एंड थैंक यू सो मच भैया। लास्ट में बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, एंड लाइव स्ट्रीम पे आना मत भूलिएगा।